मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड बॉस्को स्कूल के पीछे ग्रीन प्लाजा नामक इमारत की तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 303 में एक व्यक्ति की लाश मिली है। हत्या की आशंका जताई जा रही है क्योंकि मृतक व्यक्ति के गले में निशान है। मृतक की पहचान मेहताब मलिक के रूप में हुई है। मेहताब के साथ में एक लड़की भी इस रूम में रहती थी और घटना के बाद से ही लड़की मुमरा पुलिस स्टेशन जाकर इसकी जानकारी दी है और पड़ोसियों ने यह भी बताया कि करीब 2 महीने पहले ही मेहताब इस घर में रहने आया था। उसके साथ में एक लड़की रहा करती थी। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि साथ में एक बच्चा भी रहता था। हालांकि घटना की सूचना पर मेहताब की मां सायरा मलिक और मेहताब की बीवी कैकसा भी पहुंची। मेहताब की मां सायरा ने बताया कि हम लोग कौसा कब्रिस्तान के पास खरील मेंशन में रहते हैं और 1.5 महीने पहले ही मेहताब की शादी कैकसा से हुई थी, मगर मेहताब रशीद कंपाउंड के ग्रीन प्लाजा इमारत में किस लड़की के साथ रहता था, कैसे यहां पहुंचा, इसके बारे में मेहताब की मां और उसकी बीवी ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम है। हालांकि मेहताब ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिस मकान में ये घटना हुई है उस मकान मालकिन फातिमा ने बताया कि एक महिला के नाम पर रूम का एग्रीमेंट बनाया गया था, मगर उस महिला का नाम इन्हें नहीं मालूम है। वहीं मुमरा पुलिस स्टेशन में मेहताब की मौत कैसे हुई, मेहताब की हत्या हुई है क्या, गले में उसके निशान है, इन तमाम पहलुओं पर मुमरा पुलिस जांच कर रही है और जांच में ही सच सामने आएगा कि क्या वाकई में मेहताब की हत्या हुई या हत्यारा कौन है, ये पुलिस जांच में ही खुलासा होगा। कौन थे आपके ये? पुलिस वाले सर। क्या नाम था आप इनका? मेहताब। कैसे, क्या हुआ था इनको? अब ये मैं भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं मालूम। ये कौन है आपके साथ में? ये उसकी बीवी है, अभी 1.5 महीना हुआ है शादी होके। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ था आप बताइए। नहीं, रात में आया नहीं, टेम्पू चलाता था। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कब्रस्तान के पास रह रहा था। किसके साथ में रह रहा था ये नहीं मालूम, कौन है किसके साथ में ये साथ रहते थे? ये बीवी है उसकी। तो ये साथ में रहते हैं या नहीं? हाँ, साथ में ही रहते हैं बाबा, अभी 1.5 महीना हुआ शादी हो। तो आप कहाँ पे थे जब रात में घर पे? या अकेले थे क्या यहाँ से? ये दूसरा घर है भाई। एक मिनट, ये दूसरा घर है खाला। ये शादी होके कितना महीना हुआ? 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हुआ था। अच्छा, तो ये कहाँ रहते थे? हम लोग यहाँ कब्रिस्तान के पास ही रहते हैं। रोज एड्रेस क्या है पूरा? अरे खलील मेंशन घास कंपाउंड। अच्छा, तो ये जो अभी यहाँ इंतकाल हुआ ये कौन है आपके? ये नहीं मालूम किसके घर आए, कहाँ से आया, कहीं। ये बच्चा कौन है आपका? मेरा बेटा है। ये बेटा है आपका? हाँ। तो ये इधर कैसा आया? अब कौन लाया है कौन पता है, ये कौन लाया? अच्छा, ये आपका हाँ। कोई रिश्तेदार भी नहीं है? नहीं, रिश्तेदार का घर भी नहीं, नहीं। यहाँ पर कैसा आया ये भी नहीं, ये भी नहीं पता है। तो आपको किसने इतला दी यहाँ पर? एक लड़की ने फोन करी, वो मैं थी भी नहीं, बाजार चली गई थी। मेरा वो लड़का किधर है? इधर ही कहीं है। हाँ, है नीचे एम्बुलेंस की तरफ। हाँ। वो उसके पास फोन करी, बोली आपका मेहताब आपका नहीं है, उसको कोई मार दिया है, बस इतना करके फोन कट कर दी। फिर मैं बाहर चली गई। अच्छा, कोई लेडीज ने फोन करी? हाँ, कोई लेडीज का फोन आया था। हाँ, ये पहली वाइफ है, ये जो रह रही थी वो दोनों। अभी शादी हुआ है 16 मई। तो ये पहली वाइफ है क्या? हाँ, जो आपकी वाइफ। हाँ, और ये इसमें जो बोल रहे दूसरे वाइफ के साथ में था, वो ऐसा कुछ है? अच्छा, ये आपको मोहल्ले वाले बेहतर बताएंगे इसके बारे में। आपको नहीं मालूम है क्या इसके बारे में? ये सब मेरे को नहीं मालूम है, किसी को नहीं। तो घर पे आता जाता था? आता जाता बराबर, घर पे रहता है बराबर। कौन सी चप्पल है? यहाँ किसके साथ रहता था नहीं मालूम। ये नहीं मालूम मेरे को। नूरबानो जी, ये जो आपके सामने आज यहाँ हत्या हुई है, मर्डर कह सकते हैं इसे, तो ये लोग यहाँ कब से रह रहे हैं आपके सामने? ये दूसरा महीना चालू है लोगों। 2 महीना हो? अच्छा, दूसरा महीना चालू। अच्छा, तो ये दोनों मियाँ बीवी थे? वो हम लोगों ने पता है, मतलब वो आदमी अंदर ही रहता था, बाहर निकलता ही नहीं था। अच्छा, घर से निकलता ही नहीं था? नहीं। तो ये जो लेडीज थी उसका क्या नाम? उसका नाम नहीं बताते, जब हमने बात नहीं करते। अच्छा, कोई बात नहीं करते? नहीं, खाली पानी भरने के टाइम पे बस भाभी बस पानी का नंबर कब आएगा बस यही पूछती थी, और ताला मार के अपना चली जाती थी, और शाम में आती थी, और शाम में भी अंदर अपने आदमी घर में रहती थी,
आदमी रहेगा तो दरवाजा बंद कर देते, आदमी नहीं रहेगा तो दरवाजा खुला रखते, मगर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, आदमी रहेगा तो दरवाजा बंद रहता है। किसी और का भी आना जाना था या अकेले रहते थे? वो दोनों औरत मर गया था और एक बार बच्चा आया था बस साथ में। तो जो औरत थी उसके साथ में बच्चा भी है? हाँ, बच्चा भी है। कितने साल का बच्चा? 2 साल का, गोंडी में बढ़ती रहती मेरी बहन का है। 2 साल का बच्चा? हाँ। वो बच्चा यहाँ रहता था या और कहीं? एक बार या दो बार लेके आई थी, वो बहन के पास रहती थी। अच्छा, बहन के पास रहता? हाँ, बहन के पास रहता। तो ये आपने कोई आवाज या कुछ ऐसा सुना था? तो वो बोल रहे थे अम्मी अंदर ना रोने की आवाज आ रही, वो आंटी ना रो रहे किसके में उसको बोल रहे कुछ मेरी जान, तो क्या करने का, मैं बोली मत कर। कल शाम के लिए? हाँ, कल 7-8 बजे का टाइम। 7-8? हाँ, अंदर ना दोनों तो झगड़ा हो रहा था। अच्छा, झगड़ा हो रहा था के बीच में। तो उसके बाद है ना सुबह में वो ताला मार, कब गए पता नहीं, आज नहीं देखी मैंने, तो देखती हूँ 9:15 बजे। मतलब ताला रात में मार के गई या सुबह मार के? सुबह ने ताला मारा था, जब वो भाग के आई ना जब ताला खोलू। अच्छा, ताला खोलने तो झगड़ा होने के बाद रात में वो लेडी चली? रात में हम लोग पता ही नहीं रात में क्या हो, मैं अपना घर में थी, रात में मैंने फैमिली को मैं बुला के देखा, फिर वो आई नहीं। उसके बाद क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा जी, ये जो आपका रूम है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? ग्रीन प्लाजा। ये किस इलाके में है? इसका तो कौसम है। कौसम? हाँ। तो ये जो आपने, आपके रूम में आज हत्या हुई है या गला दबाया गया है ऐसा लोग कह रहे हैं, और ये आपने रूम किसको भाड़े पे दिया था? पर नाम तो मुझे याद नहीं है, पर एक लेडी थी उसके नाम पे पेपर बनाया। आपने उसके नाम पे एग्रीमेंट बनाया था? तो एग्रीमेंट किधर है? कोसी के पास है, जो स्टार मार्केट में बोली सामने वाले के पास, जो साथ में रूम दिलाता है ना, मैं बोली उसको दे दे, वो स्टार मार्केट लेके गया। तो कौन था एजेंट, कौन था? आसिफ। आसिफ किधर रहता है? आसिफ पता नहीं, उसको भी कॉल से बात करते हैं हम लोग, यही कहीं घूमरा में रहते हैं। रहने से पहले जब आपने रूम दिया तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन कराया था आपने? हाँ। वो सब डॉक्यूमेंट है आपके पास? नहीं, उसी के पास। वो मतलब स्टाम मारने के लिए? उसी के पास क्यों देके रखा? वो स्टाम मारने के लिए, बोले स्टाम मार के उस बिल्डर। आप 2-2.5 महीना हो गए आपको रूम दिए हुए, तो आप 2-2.5 महीने से आप स्टैंपिंग लगवा रहे, आपको जो भी कागजात था आपको अपने अंडर में। और अभी बोली मुझे 13 तारीख, आपको नाम भी नहीं मालूम है आपने किसको दिया, कागज भी आपके पास नहीं है, पेपर पे है, बोली मार के देना। तो